काफी बेहतर है और जो रिकवरी है वो काफी अच्छे से हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसको देखते हुए जो है हम लोग जो है ख्याल उसी हिसाब से रखते हैं, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस जो है इन्फेक्शन का जो डर है उससे बचाया जा सके। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से दिल्ली लौट चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो दिल्ली लौटे हैं और तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात भी की है। लालू प्रसाद यादव को लेकर यह सवाल पूछा गया कि क्या लालू प्रसाद यादव की सेहत अब ठीक है। उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि भले अभी पहले से बेहतर हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन अभी भी उनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है। लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक सिंगापुर में रहे, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया है और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो दिल्ली लौटे हैं। अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव आने वाले 25 फरवरी को जो रैली होने जा रही है पूर्णिया में, उसमें शिरकत भी करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से हो या सशरीर। इस पर अभी पूर्ण विराम लगा हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव जब आज पटना पहुंचे और उनसे पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव की सेहत कैसी है, उन्होंने सीधा जवाब दिया है। सुनिए जरा इस बयान को। काफी बेहतर है और जो रिकवरी है वो काफी अच्छे से हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसको देखते हुए जो है हम लोग जो है ख्याल उसी हिसाब से रखते हैं, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस जो है इन्फेक्शन का जो डर है उससे बचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल से आपकी मुलाकात हुई है, 24 को लेकर क्या कुछ बातें हुई? अरविंद केजरीवाल से भी आपसे मुलाकात हुई है? मुलाकात की है, क्या बात? गए थे झारखंड, गए थे तो हेमंत जी से मुलाकात हुई थी, दिल्ली गए तो अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई थी, और उसमें तो वो लोग बैठते तो ऐसी बात तो होती है ना राजनीति की, कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो है उसको लेकर के चर्चा की। तमाम जितने कमजोर दल है वो सभी साथ आ रहा है, लेकिन होना कुछ नहीं है, सबको परास्त ही होना है, 24 में सबको परास्त ही होना है। अमित शाह ने कहा लोकसभा चुनाव को, ठीक है उनका अपना कहना अपना कहे, लेकिन डर तो है भैया 24 का, बहुत डर है। जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में अलायंस पार्टनर जो होते हैं अपने अपने कौन मंत्री होगा नहीं होगा इसका तो निर्णय तो पार्टी ही ना लेती है, चाहे कोई भी दल हो। या हम लोग 7 दल हैं तो 3 पार्टियां जो हैं वो सरकार में हैं, बाकी पार्टियां सरकार में नहीं हैं, 4 पार्टी सरकार में हैं, 3 पार्टी नहीं है, है कि नहीं? तो 3 जो दल हैं वो उनका निर्णय है ना कि वो सरकार में शामिल हो या ना हो। जी ने आपका नाम तो, लिया है कि आप ठीक है, उसमें पहले यही तय था ना, पहले यही तय था कि कांग्रेस के एक मंत्री जो है जब विस्तार होगा तब जो है बनाया जाएगा, और ये तो बकायदा उस समय घोषणा हुई ना थी। आप